हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनिरुद्ध सिंह लेक्चरर चैनल। आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 12 सामान्य हिंदी 2018 का प्रश्न पत्र दिखाने वाला हूँ, ठीक है। पेपर दिखाने वाला हूँ बोर्ड का, कि कैसा आता था, कैसे क्वेश्चन आते थे, और अब से लगा के तब से लगा के अब तक में क्या चेंजिंग हुई है, 2022 तक में 2023 में क्या चेंजिंग होने वाली है, सभी कोई डिटेल वीडियो आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो में आप पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, एक भी स्किप मत कीजिएगा, वरना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप मिस कर देंगे, ठीक है। दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि सर 2018 का समान हिंदी का हमको प्रश्न पत्र दिखा दो, कि कैसा आता था और कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन आते थे, कितने घंटे का टाइम मिलता था। तो पूरा मैं डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ कि इस चैनल पर कमेंट के ऊपर बेहद ही ध्यान दिया जाता है। अगर आप में से कोई भी बच्चा कमेंट करता है कि सर हमको इस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए या इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो वीडियो बहुत ही जल्दी आपको मिलती है, ठीक है। इसके अलावा मैंने बहुत सारे चैनल देखे हैं जहाँ पर हजारों कमेंट पड़े रहते हैं लेकिन उनमें कोई ध्यान नहीं देता, कोई उनका रिप्लाई नहीं देता, ठीक है। लेकिन इस चैनल में हर क्वेश्चन का रिप्लाई मिलेगा आपको, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी वीडियो का टॉपिक हो, कुछ भी हो, कैसा भी आपको वीडियो चाहिए, सभी का टॉपिक में रिप्लाई मिलेगा, सभी की वीडियो अवेलेबल कराई जाएंगी बहुत ही जल्दी, ठीक है। बहुत ही जल्दी आपको मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी दूंगा, जिससे आप वहां पर मुझे फॉलो करके मैसेज कर देंगे तो मैं आपके डाउट वहीं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। हो सके तो मैं पहले तो आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूं। आप जितना कर चाहे तो कमेंट कर दीजिए करें, तो उससे मैं ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। जो भी टॉपिक आपको कठिन लगे आप कमेंट करिए, फटाक से आपको उसके वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि इस चैनल पर कक्षा 12 समान हिंदी हिंदी मीडियम की छात्रों की पढ़ाई के साथ साथ उनका टेस्ट भी लिया जाता है, साथ में उनकी सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई करवाई जाती है, तो ठीक है। तो आप अगर हिंदी मीडियम से हैं, कक्षा 12 से हैं, तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, आप ही के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, मेरे पास दो प्रश्न पत्र यहाँ पर देख लीजिए, और दोनों ही 2018 के, और दोनों ही देख लीजिए यहाँ पर समान हिंदी के हैं, ठीक है। ये हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है और ये हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र है, ठीक है। आपके सामने है, बिल्कुल देख लीजिए, द्वितीय प्रश्न पत्र ये है, प्रथम ये है। यहाँ पर जो है इसका पूर्णांक है 50 नंबर का पूर्णांक है, मतलब कि, और यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिला है आपको, ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता था 2018 में। इसके अलावा 15 मिनट जो सबको पता है प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर द्वितीय प्रश्न पत्र आप देखिए, यहाँ पर भी 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिला है और पूर्णांक 50 नंबर का, ठीक है। मतलब कि एक तरह से आप देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 2018 में क्या चलता था, कि यहाँ पर 2 प्रश्न पत्र दिए जाते थे, मतलब कि पहले दिन आपका प्रथम प्रश्न पत्र होता था, दूसरे दिन आपका द्वितीय प्रश्न पत्र होता था, मतलब कि आपके 2 प्रश्न पत्र होते थे और दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ता था 50-50 नंबर के, ठीक है। इसमें जो है प्रथम प्रश्न पत्र में क्या रहता था कि इसमें खंड का जो होता है हमारा, खंड का इसमें दिया रहता था पूरा, और इसमें द्वितीय प्रश्न पत्र में हमारा खंड खा रहता था, ठीक है। खंड का रहता था, ठीक है। मतलब कि 50-50 नंबर के दोनों, ठीक है। और एक ही दिन पेपर नहीं होते थे, दूसरे दिन होते थे, मतलब एक दिन आज अगर हो गया तो कल इसके बाद होगा या फिर परसों होगा, ऐसे होते, ठीक है। और आज का टाइम ये है कि 2023-21 और 22 में कैसे क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, कि आपको समान हिंदी का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसमें 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको 2022 का भी समान हिंदी का प्रश्न पत्र बहुत ही जल्दी दिखाऊंगा, ठीक है। उसमें 100 नंबर का पूर्णांक आपका रहेगा और टाइम आपको सिर्फ 3 घंटे 15 मिनट ही मिलेंगे। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले आपको 6 घंटे 6.5 घंटे टाइम मिलता था 100 नंबर के लिए, अब आपको वही टाइम कर दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट के, आपका मतलब कि 50% आपका टाइम कम कर दिया गया है, ठीक है। और जो टॉपिक हैं उनको भी थोड़ा मतलब कि लॉजिकल बनाया गया है और कम टॉपिक कर दिए गए हैं और नंबर ज़्यादा कर दिए गए हैं उस टॉपिक पे, ठीक है। तो अब मैं आपको सीरियल से दिखाऊंगा, ये देख लीजिए, यहाँ पर इसमें कुछ नहीं है, जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र था, हमारा प्रथम प्रश्न पत्र जो है उसमें क्या पूछा जाता था, जो 2018 में पहला 10 नंबर के क्या पूछे जाते थे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन, ठीक है, जो आज भी पूछे जाते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, नासिकेतु उपाख्यान के लेखक कौन है, यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, जैसे आजकल पूछे जाते हैं वैसे। 1 नंबर का यहाँ पर देख लीजिए, 1 नंबर का पूछा गया है।
अब इसको थोड़ा पलटाते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक थे, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, अगर आप 2023 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन रिपीटेड हुआ करते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, अगर आपको आते हैं, नहीं आते तो मैं आपके इसके सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा कि इसमें कितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, उनके आंसर क्या है, ठीक है। यहाँ पर ये भी एक नंबर का आता था, देख लीजिए यहाँ भी एक नंबर का, श्याम सुंदर दास की शैली किसके गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। निबंध प्राणोत्तम स्तर तक पहुँचा, ये भी एक नंबर का। कविता में चार चांद लगाने वाली शक्ति है, ये भी एक नंबर का। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोग, पपीहों की वह पीन पुकार किसकी पंक्ति है, मतलब कि ये एक चैप्टर से पूछा गया है, ठीक है। अब ये हो सकता है कि चैप्टर चेंज भी हो चुका हो, अब दूसरा कोई हो, लेकिन पहले कुछ दूसरा रहा हो, तो इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब कि इसको आपको ध्यान नहीं देना, जो क्वेश्चन हमेशा चलते हैं उनको ध्यान दें, जैसे कि खुमार राशो की रचयिता ये हमेशा चलता है, ठीक है। रसिक प्रिय रचना है, रसिक प्रिय रचना है, ये भी हमेशा चलता है। अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं, ये भी हमेशा चलता है क्वेश्चन, ठीक है। मतलब कि देख लीजिए यहाँ पर आप, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पाँच नंबर, छः नंबर, और यहाँ पर देख लीजिए 7, 8, 9 और यहाँ पर 10, मतलब कि यहाँ पर टोटल मिला के 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव हो गए, ठीक है। अगर आपके 10 के 10 आते हैं तो आपको बहुत अच्छी बात है, ठीक है, 10 के 10 ऑब्जेक्टिव हो गए, 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव हो गए 50 में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर एक आता है कि निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या करना था, 2018 में ये आता था, ठीक है। इसमें क्या मिलता था आपको, 7 नंबर मिलते थे, मतलब कि 2 नंबर संदर्भ के और 5 नंबर व्याख्या के, मतलब कुल मिला के 7 नंबर आपके मिलते थे। लेकिन अब क्या है कि 7 नंबर की बजाय इसको पूरा 10 नंबर का कर दिया गया है यहाँ पर, मतलब कि इसको पूरा 10 नंबर का कर दिया गया है, और यहाँ पर ये चीज़ को हटा दिया गया है, इसी को इसमें मिला दिया गया है, प्लस कर दिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक सूक्त की संदर्भ सहित व्याख्या करना था, तो ये चीज़ हटा दी गई है, केवल एक ही संदर्भ आपको मिले, दो संदर्भ मिले, मतलब कि दो पैसेज मिलेंगे आपको, उनमें से किसी एक को सॉल्व करना है, ठीक है। अब कुछ नहीं, सीधे 10 नंबर का एक पैसेज आपका हो गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा चेंजिंग आ गई है 2021 और 22-23 में, और 2018 में कुछ ऐसा था पेपर पहले, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या था, ये हमारा गद्य का पोर्शन रहता था, और ये हमारा पद्य का पोर्शन आ गया, ठीक है, पद्यांश, यहाँ पर पद्यांश आ गया हमारा। तो पद्यांश भी टोटल वैसे ही है, यहाँ पर पहले 7 नंबर का पद्यांश पूछा जाता था, और 3 नंबर के इनमें से एक सूक्ति पूछी जाती थी, जिसकी संदर्भ सहित व्याख्या करनी थी हमको, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि पूरा 10 नंबर का एक पद्यांश कर दिया गया है, गद्यांश और पद्यांश दोनों 10 नंबर की अब कर दिए गए हैं, कोई ये सूक्ति वगैरह 3 नंबर की नहीं पूछी जाती, ठीक है। टोटल आपको 10 नंबर का कहीं करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए, मतलब कि यहाँ पर 4 नंबर की ये चीज़ पहले रहता था, अब यही 5 नंबर की हो गई है, 5 नंबर का हो गया, एक नंबर इसमें और बढ़ा दिया गया है, ठीक है। कैसे बढ़ाया गया, यहाँ पर 3-2 नंबर आपकी रचनाओं के हो जाते हैं, 3 नंबर आपके साहित्यिक परिचय के हो जाते हैं। तो आपको साहित्यिक परिचय अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पेज पर पड़ी हुई हैं, आप वहां से देख लीजिए, 2023 में वही पूछे जाने हैं, मैंने बहुत ही सोच समझ के वो आपके लिए वीडियो बनाई है, ठीक है। तो वहां पर आप जाके देख लीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, आपके नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं, ठीक है, सभी वीडियो मेरी वॉच करते हैं। यहाँ पर देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, ये बहुत पहले से ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो 2023 के लिए वीडियो बनाई है उनको आप अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए 3 पूछे जाते हैं, आज भी वही 3 पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए, वहाँ पर लेखक पूछा था, अब यहाँ पर कवि पूछ रहा है, ठीक है। तो ये भी 4 नंबर का पहले आता था, लेकिन ये भी है 5 नंबर का कर दिया गया आपका, ठीक है। वहीं 3 नंबर आपके साहित्यिक परिचय के, 2 नंबर आपकी रचनाओं के, ठीक है। तो मैंने कवि की भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि की वीडियो बना रखी है, तो आप वहाँ पर जाके देख लीजिए कौन से कवि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनकी सेपरेट वीडियो भी बनी हुई है, कैसे आपको जीवन परिचय याद करना है, ठीक है। तो आप चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है, ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश प्रस्तुत करना है। इसके बाद अथवा में है, लाठी अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, ठीक है। पंचलाइट और बहादुर में से आप किसी एक को याद कर लीजिएगा, उनका सारांश और कहानी का उद्देश्य, उनमें से आपका एक पक्का फंस जाएगा 2023 के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि दो ही कहानियाँ हैं और घुमा फिरा के इन्हीं को हर बार पूछता है, ठीक है। ये आपका मुझे लगता है
ये 2023 में और 2022 से और 2021 से 5 नंबर का पूछा जाने लगा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी 5 नंबर की हो गई है, मतलब इसमें भी एक नंबर की बढ़ोतरी की गई है। पहले 4 नंबर की पूछी जाती थी, अब ये 5 नंबर की चीज़ पूछी जाती है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है स्वपठित नाटक के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, ठीक है। ये भी आपका 4 नंबर का आता था पहले 2018 वगैरह में, लेकिन अब ये 5 नंबर का कर दिया गया है, ठीक है। मतलब कि नंबर बढ़ा दिए गए हैं आपके, ठीक है, नंबर बढ़ा दिए गए, तो ठीक है, आपको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये आपके जिले के अनुसार होता है, ठीक है। आपको टीचर, क्लास टीचर से अपने संपर्क करना पड़ेगा, उनसे कहे पूछना पड़ेगा कि सर हमारे ज़िले में कौन सा स्वपठित नाटक चलता है, तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। जैसे मेरे ज़िले में, यहाँ पर देख लीजिए, मैं अपने ज़िले का बताता हूँ, जिस ज़िले में मैं रहता हूँ, यहाँ पर मेरे ज़िले में, यहाँ पर मिल नहीं रहा कहीं, यहाँ पर देखिए, होगा तो पक्का, यहाँ पर देखिए आप लोग, आलोक 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 त्याग, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार चलता है मेरे ज़िले में, ठीक है। मैं बांदा ज़िले से हूँ, बांदा ज़िले से, BANDA, ठीक है, यूपी के बांदा जिले से हूँ मैं। यहाँ पर श्रवण कुमार खंड का आपके निर्माण सग्र की व्यवस्था कथा वस्तु लिखिए। श्रवण कुमार के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रित कीजिए, मतलब कि श्रवण कुमार खंड का चलता है मेरे यहाँ पर, ठीक है। आपके यहाँ पर जो भी चलता हो आपको टीचरों को पता होगा, ठीक है, आप वहाँ से संपर्क कीजिए और उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये भी आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। इसके बाद हम चलते हैं 50 नंबर का, हमारा ये प्रश्न पत्र कंप्लीट हो चुका है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते थे मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र में चलते हैं। तो आपके सामने 2-3 प्रश्न पत्र जो कि 50 नंबर का पूछा जाता था, और ये हमारा खंड खा होगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। यहाँ पर भी 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिल रहा था। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। ये आपका 8 नंबर का पूछा जाता था पहले 8 नंबर का पूछा जाता था, लेकिन अब 2021 से लगा के 2023 तक में ये पूरी चीज़ 7 नंबर की आपकी कर दी गई है, मतलब कि एक नंबर कम करके एक नंबर कहीं और ऐड किया होगा, मैं आपको बताऊं कहाँ ऐड किया गया है। अब ये 7 नंबर की हो गई है आपकी, 7 नंबर यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। आपको संदर्भ करना होगा और हिंदी में इसकी व्याख्या करनी होगी जो आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो 2022 का मॉडल पेपर बहुत ही जल्दी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आपने देख ली। इसके बाद आप अथवा में दिया है यहाँ पर, जैसे कि हर पेपर में दिया रहता है। इसके बाद यहाँ पर जो अब आता क्या है, 2023 में जो क्या होता था कि 2023 में अब श्लोक लिखने को आता है, 2022 वगैरह में श्लोक लिखने को, ठीक है। यहाँ पर ये भी अथवा में है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये आपका 4 नंबर का, ठीक है, लेकिन अब ये पूरा 7 नंबर का कर दिया गया है। ये 4 नंबर का जो चीज़ है ये पूरी 7 नंबर की कर दी गई है, ठीक है। ये आपकी 7 नंबर की हो गई है, ठीक है। तो आपको श्लोक रहेगा, उसका व्याख्या करनी पड़ेगी और हिंदी में उसका अनुवाद करना पड़ेगा, मतलब कि हिंदी में व्याख्या करनी पड़ेगी और संदर्भ सहित उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। ये आपका 7 नंबर का और ये आपका 7 नंबर का मतलब कि 14 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है आपके। इसके बाद अब क्या है, यहाँ पर पहले क्या था कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किन्हीं दो के अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये क्या था, मुहावरे दिए रहते थे, कितने, 1, 2, 3, 4, 5 मुहावरे, ठीक है, और ये 4 नंबर का पूछा जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, ये है 2022 में, अब क्या था कि ये पूरा 2 नंबर का कर दिया गया, 4 नंबर की बजाय 2 नंबर का आपका कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर आपका 2 नंबर रहेगा और यहाँ पर 5 की बजाय 4 ही आपके मुहावरे दिए रहेंगे, उनको सही से लिखना होगा, मतलब कि 4 में से किन्हीं 2 का करना पड़ेगा। यहाँ पर 5 दिए रहते थे, अब 4 दिए रहते हैं, ठीक है। और 2 नंबर का ये चीज़ हो चुकी है, किसमें, 2021-22 में ये चीज़ 2 नंबर की हो चुकी है, इससे पहले भी 2 नंबर की हो चुकी होगी, ठीक है। लेकिन 2018 में आपका 4 नंबर का ये चीट है, ठीक है। इसके बाद आता है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कर लिखिए। ये आपका कितने नंबर का, 3 नंबर का पूछी जाती थी, 1 संधि 1 नंबर की, मतलब कि, और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर टिक मार्क संधि आती थी, मतलब इसमें से एक सही करके लिखना है, ठीक है, एक सही जो होता है उसको वहाँ पर लिख देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर 3 संधि आपकी पूछी जाती थी, और 2022 वगैरह में आप क्या चल रहा है मैं आपको बताता हूँ, अभी भी ये संधि वगैरह 3 नंबर की ही पूछी जाती हैं और 3 ही संधि आती हैं, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, मैं इसकी एक वीडियो बनाकर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि की, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखना, ये आपका 2 नंबर का पूछा जाता था। यहाँ पर आपके 2-4 क्वेश्चन आते थे, ठीक है, मतलब कि 4 विकल्प दिए रहते थे, उनमें से
निम्नलिखित शब्दों शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए, मतलब कि सभी का, इसका जो ये अंश और अंश मतलब कि भाग और कंधा, कंधा और हिस्सा, कोण और अकुंश, अंकुर और हिस्सा, तो इसको आपको लिखना होता था, ठीक है, मतलब कि सही कौन सा है उसको आपको कॉपी में अपने लिखना होता था, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। इसकी वीडियो भी मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, उसमें बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, आप उसको याद कर लीजिएगा, आपके पक्का 2 नंबर यहां से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 नंबर का पूछा जाता था आपका, और ये चीज़ अभी भी 2 नंबर की पूछी जाती है, ठीक है, मतलब कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है, 2 नंबर का पहले पूछा जाता था और 2 नंबर का अभी भी पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर एक और पूछा गया है, मतलब कि 1 नंबर उसका और 1 नंबर इसका, प्रसाद और प्रासाद इसमें क्या अंतर है, ठीक है, इसको भी आपको सही से लिखना है। और इसके बाद आता है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, मतलब कि एक शब्द का 2 अर्थ, मतलब कि पर्यायवाची कहते हैं ना उसको, उसको इसके हिसाब से होता है, ठीक है। तो ये 2 नंबर का आपका पूछा जाता था, और इस समय मुझे लगता है इस समय भी ये 2 नंबर का ही पूछा जाता है, मतलब कि इस समय भी 2 नंबर का पूछा जाता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है, ठीक है। तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं हुई है, 2 नंबर का आता था, 2 नंबर की इसकी भी सेपरेट वीडियो आपको बना के दूंगा, आपके पूरे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा, निम्नलिखित वाक्यांशों में से किन्हीं 2 के एक एक शब्द लिखिए, मतलब कि 2 के एक एक शब्द लिखना है आपको, ठीक है। तो ये 2 नंबर का आपका आता था, और अभी भी, और ये अब मुझे लगता है ये चीज़ हटा दी गई है आपकी, ठीक है। इसके अलावा इसके जगह पर कुछ और ही चीज़ें रख दी गई हैं, मतलब कि 2 नंबर का एक और टॉपिक है उसको यहाँ पर रख दिया गया है, वो कौन सा टॉपिक है मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा, 2022 के समान हिंदी का जो प्रश्न पत्र उसमें दिखाऊंगा, उसमें मैं बताऊँगा कि कौन सा टॉपिक यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। वैसे आप इस पर अभी ध्यान ना दीजिए, इसको मुझे लगता है हटा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है, निम्नलिखित शब्द रूपों में से किसी एक का वचन और विभक्ति लिखिए, ठीक है। ये 2 नंबर का आपका आता था पहले भी, और अभी भी आपका 2 नंबर का ही आता है, मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है, ठीक है। इसके बाद हमारा देख लीजिए यहाँ पर, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, ये भी आपका 2 नंबर का पहले आता था, और अभी भी 2 नंबर का आपका पूछा जाता है, मतलब इसमें भी आपकी कोई चेंजिंग नहीं हुई है। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, ठीक है। इसके अलावा, हमारी शिक्षिका विद्वान है, आज मेरा चाचा आया है, आज मेरा चाचा आया है, वह गत सप्ताह हो जाएगा, सप्ताह लिखा है, सप्ताह हो जाएगा, ठीक है। तो इनको आपको सही करके किसी किन्हीं 2 वाक्यों को सही करके लिखना है। इसके भी बहुत सारे मैं आपको वाक्य दे दूंगा, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वाक्य बता दूंगा जो हर साल रिपीट किए जाते हैं, उसकी वीडियो मैं आपको सेपरेट बना दूंगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी और थोड़ा सा अपने से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा, श्रृंगार अथवा वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ये भी आपका 2 नंबर का आता था, मतलब कि कोई भी यहाँ पर रस पूछ सकता है, यही नहीं है कि यही आते थे, मतलब कि हर बार दोहराए भी जाते हैं, तो आप इनको भी याद कर लीजिएगा, इनकी वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अनुप्रास अथवा संदेह अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, ये भी हो सकता है। सोरठा अथवा कुंडलिया का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, ये भी आपका 2 नंबर का आता था, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि ये सभी चीज़ें अभी भी कोई चेंजिंग नहीं हुई है, इनमें सब ये टोटल 6 नंबर के आते थे, और अभी भी ये 6 नंबर के टोटल आते थे, मतलब कि 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, कोई भी टॉपिक में इनमें चेंजिंग नहीं हुई है, पूरे 6 नंबर के आते थे पहले भी, अभी भी 6 नंबर के ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा 6वां नंबर टॉपिक आता है, ग्राम प्रधान की ओर से अपने जनपद के जिलाधिकारी को एक पत्र लिखिए जिसमें गाँव की सफाई व्यवस्था हेतु अनुरोध किया गया हो, ठीक है। ये आपका 6 नंबर का आता था, क्या पत्र लेखन इसे कहते हैं, ठीक है। पत्र लेखन आपका 6 नंबर का आता था, या फिर एक अथवा में दिया गया वो है, इनमें से किसी एक का आपको करना है, ठीक है। तो आपको अच्छे से पत्र लिखना आना चाहिए, कैसे लिखते हैं इसकी एक वीडियो मैं आपको बना दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे से लिखने आने लगेगा, ठीक है। और एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये पहले भी 6 नंबर का आता था और अभी भी 6 नंबर का ही आता है, मतलब कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है, पत्र लेखन में आपकी कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है, ठीक है। हमारा लास्ट और इस का लास्ट एकदम टॉपिक है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, मतलब कि आपको अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है, निबंध कैसे लिखते हैं उसकी वीडियो भी मैं जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके, चैनल को क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है, और एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको सबसे पहले करनी है,
वेल आइकन को ऑल पे सेट रखना है, ठीक है। ऑल पे सेट रखोगे जब ही आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये 9 नंबर का पूछा जाता था पहले, और अभी भी आपका ये 9 नंबर का ही पूछा जाता है, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं हुई है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपको हर टॉपिक अच्छे से मैंने क्लियर करवाया है। अगली वीडियो मेरी बहुत ही जल्दी अपलोड की जाएगी और मैं आपको बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कराने वाला हूँ अगली वीडियो अपनी, जिसमें मैं 2022 का सामान्य हिंदी का बोर्ड का पेपर आपको डिस्कशन करने वाला हूँ, पूरा डिटेल में उसकी वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और कोई भी टॉपिक आपको अच्छा, मतलब कि अच्छे से पढ़ना नहीं आता, अच्छे से याद नहीं कर पाते उसको आप, उसमें कुछ आपको मतलब कि कन्फ्यूजन है, उसको आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपसे उसकी सेपरेट वीडियो आपके लिए बना के दूंगा, ठीक है।